हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज इस रीडिंग में ये देखने जा रहे हैं आप जिस भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, क्या है इस पर्सन के करंट डीप इमोशंस, डीप इनसाइड इस पर्सन के अभी इस वक्त में आपको लेकर, आपके साथ के इस रिश्ते को लेकर क्या चल रहा है, ये चीज़ें आज इस रीडिंग में कवर करी जा रही हैं। व्यूअर्स, आपको याद रखना होगा रीडिंग जो भी है वो जनरल और एक कलेक्टिव है, तो हर बात में आपको फिट नहीं होना है। रीडिंग का कोई क्राइटेरिया नहीं बनाया जा रहा है, यानी कि मैरिड अनमैरिड लड़का लड़की कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड यहाँ पर रीडिंग होती है, हालाँकि मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल राशियाँ बताऊँगी जो भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही होंगी व्यूअर्स, ठीक है। बस आपको क्या करना है, रीडिंग के दौरान फोकस आपको अपने पार्टनर के पर बनाए रखना है। अगर रीडिंग से रेजोनेट कर पाते हैं, कनेक्ट कर पाते हैं, तो लाइक ज़रूर से करना है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के करंट डीप इमोशंस व्यूअर्स को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के करंट डीप इमोशंस क्या हैं। पैशन, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, रिजॉइस इन सेलिब्रेशंस एंड मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए व्यूअर्स के पर्सन के करंट डीप इमोशंस बताइए। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। कंपैरिजन, हीलिंग, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए करंट डीप इमोशंस व्यूअर्स के पर्सन के। गिल्ट, रिपनेस एंड बॉटम की एनर्जी है न्यूबिज्म, ठीक है। देखिए व्यूअर्स, सबसे पहले राशियां डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपका कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि है। ये आपका जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि एंड टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। सभी राशियाँ यहाँ पर मैंने आपको बता दी हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी एलिमेंट्स बहुत क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। नंबर्स के बारे में बात करी जाए तो देखिए, आपके लिए नंबर 9 यानी कि आपका हो गया सेप्टेम्बर मंथ, ये बेहद इंपॉर्टेंट दिख रहा है। चांसेस है ये आपका बर्थ मंथ हो, इनका बर्थ मंथ हो, आप इस मंथ में मिले थे, इसी मंथ में आप दोनों एक दूसरे से अलग हुए थे, तो ऐसे करके आपको ये नंबर या ये मंथ लेकर चलना होगा, जो मैं आपको अक्सर अपनी पहले की रीडिंग में बताती आ रही हूँ, तो उसी तरह से आपको लेना है। देखिए व्यूअर्स, मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ, डेफिनेटली आपके पार्टनर इस वक्त में ना एक बॉडी में दो सोल के बराबर काम कर रहे हैं, यानी कि जैसे कहते हैं कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होते हैं ना, तो ये पर्सन अब करंट में कुछ ऐसा ही रोल प्ले कर रहे हैं, जिसमें ये पर्सन डेफिनेटली बाहरी तौर पर ऐसा ही दिखा रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक सोच रखते हैं, यानी कि इनकी जो भी इच्छाएँ हैं वो सिर्फ पैसे में है, पार्टीज़ में है, या अपने सपनों को पूरा करने में हैं, या फिर उनके पीछे बस भागने में हैं, उनके लिए पैशनेट होने में हैं। तो मैं ऐसा देख पा रही हूँ बाहरी तौर पर डेफिनेटली आपको ना इस पर्सन की साइड से ये देखने को मिल रहा होगा कि हाँ, ये अपनी ज़िंदगी में जहाँ पर भी हैं वहाँ पे अपने सपनों के पीछे भाग रहे हैं, अपने ड्रीम्स को पूरा कर रहे हैं, और बहुत पार्टीज़ कर रहे हैं, बहुत दोस्त यार बना रहे हैं, बहुत सेलिब्रेट कर रहे हैं, बहुत अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, या अच्छा खासा पैसा इनके पास है, तो ये चीज़ें आपको दिखाई दे रही होंगी। लेकिन भीतरी तौर पर यहाँ पर ऐसा देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि ये पर्सन अंदर ही अंदर उन चीज़ों का कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। बाहर से ये जो चीज़ें दिखा रहे हैं कि इसमें सुकून है, अंदर से इन्हें समझ में आ रहा है कि सुकून यहाँ पर कितना भी ये ढूंढ ले, कितना भी ये पाले, वहाँ पर वो सुकून ना इन्हें आज मिल रहा, ना कल मिलेगा, और ना इवन कल मिला था। तो डीप इनसाइड यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि ये पर्सन ना समझ पा रहे हैं प्यार की क्या अहमियत होती है एक इंसान की ज़िंदगी में, वो प्यार जो इन्हें आपसे मिला है, वो प्यार जो आपने इन्हें दिया है,
यानी कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि ये पर्सन डीप इनसाइड ना आपके प्यार को हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, और जितने भी नज़रिए से ये पर्सन इस प्यार को, इस रिश्ते को देखते हैं ना, उतना ज़्यादा ये पर्सन अपने हिस्से इस गिल्ट को पाते हैं, उतना ज़्यादा ये पर्सन अपने आप को कमज़ोर पाते हैं अंदर से। मतलब अंदर से ये पर्सन पूरी तरह से कमज़ोर हो गए हैं और बाहर से ये दिखा रहे हैं कि इनसे ज़्यादा मजबूत, इनसे ज़्यादा सख्त पर्सन कोई भी नहीं है, जैसे कि पूरी तरह से ये पर्सन खोखले बन गए हैं। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पर है। भीतरी तौर पर इवन ये भी देख पा रही हूँ कि इस पर्सन को जैसे कि बस एक इंतज़ार रहता हो कि कब इनकी ज़िंदगी में सही मायने में सेलिब्रेशंस आएंगे। ये जो भी अभी सेलिब्रेशंस है ये सही मायने में नहीं है, इनमें वो खुशी नहीं है, इनमें वो सुकून नहीं है, वो प्यार नहीं है, वो इमोशंस नहीं है। जो देखो एक सेलिब्रेशन होता है हर तरह का होता है, अगर आप दूसरे की पार्टी में जा रहे हो तो आप उस तरह से वहाँ पे रिएक्ट करोगे, अपनी पार्टीज़ में आप होगे तो आप उस तरह से रोल प्ले करोगे, तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर इस पर्सन के साथ बाहरी और भीतरी तौर पर हो रहा है। अंदर से ये पर्सन अपने आप को इस कदर टूटा हुआ पा रहे हैं कि वो सपने जिनके पीछे ये भाग रहे हैं, जिनमें ये अपनी खुशियाँ ढूंढ रहे हैं ना, वहाँ से इन्हें कुछ भी हासिल नहीं हो रहा। स्पेशली ये पर्सन अंदर से अपने आप को इतना जख्मी पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं कि इनकी जो हीलिंग की जो दवा है ना, जो मेडिसिन है, इस बीमारी की जो दवा है वो आप हो, आपका साथ है, आपका प्यार है, या आपके साथ इस रिश्ते में एक नई शुरुआत है। तो ऐसा भी यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि ये पर्सन खुद भी दोगुली ज़िंदगी जी रहे हैं, खुद भी खोखले हुए पड़े हैं, और आपको भी कहीं ना कहीं वैसे ही जीने के लिए जैसे अपने इस बिहेवियर की वजह से फोर्स कर रहे हैं। ठीक है, भले कुछ कह नहीं रहे हैं लेकिन अल्टीमेटली आपको भी तो ये अपने जैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई एक ही बॉडी के अंदर दो सोल जैसे कि एग्जिस्ट कर रही हो, एक सोल जो बाहरी लोगों की तरह एक्ट कर रही है और एक सोल जो अंदर से पूरी तरह से जख्मी है, गिल्टी फील कर रही है और हर एक चीज़ को लेकर समझ रही है कि हाँ उस वो जितना ज़्यादा वेट करेगी उतना ज़्यादा उसे सब्र का फल मिलेगा। तो ऐसा यहाँ पर इस पर्सन के साथ हो रहा है व्यूअर्स। ठीक है, चलिए और देखते हैं टैरो से। अगर अभी तक आप कनेक्ट कर पा रहे हैं इस रीडिंग से, अभी तक आप महसूस कर पा रहे हैं कि हाँ आपके पार्टनर इसी तरह से रोल प्ले कर रहे हैं, इसी तरह से ये कर रहे हैं, तो आप एक लाइक तो कर दीजिएगा। आगे हम और देखते हैं रीडिंग में। ठीक है व्यूअर्स, गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। बताइए व्यूअर्स की पर्सन डीप इनसाइड कैसा महसूस कर रहे हैं, इनकी फीलिंग्स के बारे में बताइए। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ कन्या एंड मकर राशि है। व्यूअर्स मुझे यहाँ पे आपके लिए नंबर 5 यानी कि मई मंथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है। बॉटम की एनर्जी है 5 ऑफ वैंड्स जो अगेन नंबर 5 को डिनोट करता है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, डीप इनसाइड ये पर्सन अपने आप को वो भिखारी मान रहे हैं, वो बैगर मान रहे हैं जिसकी ज़िंदगी में सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ भी नहीं है। यानी कि पास में देखिएगा यहाँ पे पैसा है लेकिन पैसे के बाद भी जैसे ये पर्सन अपने हाथ यहाँ पर फैले हुए देख रहे हैं, या फिर सब कुछ होने के बावजूद भी मन में जो सुकून नहीं है, वो सुकून इन्हें अपने आप से अंदर ही अंदर एक गरीब इंसान की तरह महसूस करा रहा है। और वही इंसान यहाँ पर अपने ही सोल से जैसे फाइट कर रहा हो, अपने हालातों से फाइट कर रहा हो, उन हालातों को एक्सेप्ट करने की, उन्हें स्वीकार करने की कोशिश तो कर रहा है वो इंसान, लेकिन वो अल्टीमेटली कोशिश करने के बाद भी पूरी तरह से अपने आप को यहाँ पर नाकामयाब पा रहा है। तो डीप इनसाइड यहाँ पर मैं आपसे क्लियरली कहना चाहूँगी व्यूअर्स कि इस पर्सन के दिल में जो है ये वो बाहर आने नहीं दे रहे हैं, ये बाहर अपनी जिद की वजह से ये कुछ और ही रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो अंदर इनके चल रहा है ना वो किसी तूफान से यहाँ पर कम नहीं है, वो किसी ऐसी बीमारी से यहाँ पर कम नहीं है। जैसे कैंसर, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो अंदर ही अंदर नप रही है, लेकिन बाहर से अगर कोई इंसान आपको देखेगा तो वो नहीं समझ पाएगा कि आप कैंसर के
मरीज है, तो ऐसा ही कुछ ये कर रहे हैं, मतलब अपनी बीमारी को ये पर्सन पाल रहे हैं बजाय उसका इलाज करने के। तो यहाँ पर इनकी जो अंदर की बीमारी है वो ये है कि ये अपने ही हालातों से लड़ रहे हैं, उसे स्वीकार करने की, एक्सेप्ट करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन हर बार इस पर्सन के हिस्से नाकामयाबी आती है। हर बार ये पर्सन ऐसा फील करते हैं कि इनके हाथ पूरी तरह से खाली हैं, सब कुछ होने के बावजूद भी। हो सकता है इनकी बहुत बड़ी फैमिली हो, परिवार हो, दोस्त हो, यार हो, या किसी रिलेशनशिप में भी हो, लेकिन उस रिलेशनशिप में जो सुकून मिलना चाहिए ना, वो इन्हें नहीं मिल रहा। या वहाँ पर रहकर भी ये पर्सन आपको ढूंढ रहे हैं, वहाँ पर रहकर भी ये पर्सन उस पर्सन की तुलना आपसे, आपके प्यार से, आपके साथ से, इस रिश्ते से कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ इनके साथ करंट में डीप इनसाइड चलता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है व्यूअर्स, और देखते हैं, राइट कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन की करंट डीप फीलिंग्स के बारे में, और बताइए प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। टू ऑफ सोर्स एंड बॉटम की एनर्जी है आपकी नाइन ऑफ सोर्स, नाइन नंबर में आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ व्यूअर्स, यानी कि आपका हो गया सेप्टेम्बर मंथ। यहाँ पे जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि काफ़ी स्ट्रांग में मुझे दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर डीप इनसाइड इस पर्सन के क्या चल रहा है, देखिएगा, ये है बीमारी, ये है इनकी नेगेटिविटी, ये है इनका डिप्रेशन, इनकी एन्जाइटी, जो इन्हें डे बाय डे अंदर ही अंदर और ज़्यादा टर्नल में, और ज़्यादा गुफा में इन्हें भेजता जा रहा है। या ये कह सकते हो कि ये जो भी इनकी लाइफ में अभी अंदर चल रहा है ना, वो इन्हें दीमक की तरह ख़त्म करता जा रहा है। तो वो चीज़ें यहाँ पर साफ साफ दिख रही हैं, एक डर, एक ट्रैपिंग वाली जैसे फीलिंग होती है ना, कि ये इन हालातों में पूरी तरह से ट्रैप्ड होकर रह गए। और ये ट्रैप्ड क्यों हुए, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने एक ऐसा डिसीज़न लिया विद दिस टू ऑफ सोर्स का, जिसको लेकर इनको खुद श्योरिटी नहीं थी, इन्हें खुद उसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं थी, बस इन्होंने यहाँ पर आँख पे पट्टी बांधी। और जैसे कहते हैं ना कि इन्हीं पिनी वो जो करते हैं कि भाई कौन सा वाला चुना, और इन्होंने वो चुन लिया। तो आँख पे पट्टी बांध कर अगर कोई डिसीज़न लिया जाता है ना, तो उसके बाद यही देखने को मिलता है। तो डीप इनसाइड ये पर्सन इस चीज़ को फील कर रहे हैं, और ये पर्सन ना यहाँ पर बैठकर व्यूअर्स, जो डिसीजन इन्हें आपकी तरफ, जो फैसला इन्हें आपकी तरफ लेकर जा रहा था ना, उसे बैठकर ये देखते हैं। ठीक है, बाहरी तौर पर भले वो दूसरा डिसीजन यहाँ पर तिरंगा जो है वो यहाँ पर दिखा रहा है, लेकिन भीतरी तौर पर ये पर्सन जानते हैं कि ये ऑप्शन इन्हें कहाँ लेकर गया और आपका साथ इन्हें कहाँ लेकर जाता। इवन ये पर्सन इस वक्त में ऐसा भी फील कर रहे हैं कि अगर ये इस रिश्ते को भी बचाए रखते, इस रिश्ते को भी नरिश करे रखते, इस रिश्ते का दरवाज़ा अगर ये खोले रखते ना, तो शायद आज इनकी ये हालत ना होती विद दिस नाइन ऑफ सोर्स का। शायद ये पर्सन अंदर ही अंदर वो बीमारी ना पाल रहे होते, जिसका अब कोई इलाज नहीं है, जो अब पूरी तरह से लाइलाज बन गई है। तो यहाँ पर ये साफ साफ दिख रहा है कि ये पर्सन ना सो नहीं पाते हैं, जब ये अकेले रहते हैं, जब ये पर्सन अपने आप में रहते हैं, तो वो फैसला इस पर्सन को जैसे कि सुनाई देता हो कि अगर तुम मुझे चुनते, मेरा साथ चुनते, तो आज तुम अपनी ज़िंदगी में कुछ और ही रंग देख रहे होते। यानी कि ये जो आज इनकी खुद की ज़िंदगी तलवार की नोक पर अटकी पड़ी है ना, वो ना होती। यहाँ पे तलवार इनका हथियार होता, इन्हें खुद को मारने के लिए इनके ऊपर वार ना कर रहा होता। तो ऐसा ये पर्सन फील कर रहे हैं करंट में, यानी कि ये पर्सन समझ रहे हैं कि इस बीमारी का इलाज कहाँ है, आपके पास, आपके साथ के पास, ना कि वो सपनों के पास जिनके पीछे लगातार भागे जा रहे हैं, जैसे कहते हैं ना कि गधे घोड़े की तरह बिना दिमाग लगाए बस मेहनत करते जा रहे हैं। तो वो चीज़ें इनके मन में डीप इनसाइड करंट में बेहद ज़्यादा चल रही है व्यूअर्स। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, करंट डीप फीलिंग्स व्यूअर्स के पर्सन की क्या है अब करंट में, गाइड कीजिए व्यूअर्स के पर्सन की करंट डीप फीलिंग्स। एट ऑफ कप्स एंड बॉटम की एनर्जी है आपकी क्वीन ऑफ वैंड्स, तो चांसेस हैं यहाँ पे आप में से एक वाटर एलिमेंट है और एक आपका यहाँ पे फायर एलिमेंट है। ठीक है,
नंबर 8 यानी कि आपका अगस्त मंथ भी मुझे बेहद इंपॉर्टेंट दिख रहा है। नंबर 13, नंबर 4 यानी कि अप्रैल मंथ भी आप में से कुछ लोगों से रिलेट कर सकता है। देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि क्योंकि ये पर्सन अंदर से पूरी तरह से कमज़ोर पड़े हुए हैं, एक कमज़ोर, एक बीमार, एक गरीब इंसान की तरह अपने आप को देख रहे हैं। इसी रीज़न की वजह से ये पर्सन ना अक्सर जब अकेले रहते हैं या इसी वक्त भी अगर ये अकेले हैं तो ये कहीं ना कहीं आपकी उन यादों की तरफ अपने आप को पाते हैं या पा रहे हैं कि ये आप हो, आपकी यादें हैं जिसमें एक वक्त में आप इन्हें भर भर का प्यार देते थे, आप इन पर ना आंख बंद करके भरोसा करते थे, अपने जज्बात, अपनी फीलिंग्स, अपनी लाइफ आपने इनके लिए जैसे कि पूरी तरह से सेक्रीफाइस कर दी थी। तो ये पर्सन करंट में उस पल को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं जिस पल में आपने इन्हें ये सब दिया और इन्होंने बदले में ये डिसीज़न लिया कि नहीं, इनके लिए ये सफिशियंट नहीं है, इन्हें कुछ और अपनी ज़िंदगी में पाना है और अपने सपनों को पूरा करना है। तो ये पर्सन ना करंट में कहीं ना कहीं लौट कर आपके उसी भरोसे की तरफ अपने आप को देख रहे हैं, पा रहे हैं, लेकिन अब इन्हें आपकी साइड से वो भरोसा जो पहले उस वक्त पे दिख जाया करता था, महसूस हो जाया करता था, अब नहीं हो रहा है। देखिएगा यहाँ पर आप इन्हें जो दे रहे थे वो इनके लिए पर्याप्त नहीं था, इसीलिए ये आपसे दूर गए, मूव ऑन करें। लेकिन अभी करंट में ये पर्सन लौट कर आए हैं, लौट कर देख रहे हैं उन्हीं फीलिंग्स को, उन्हीं जज्बातों को, जहाँ सब कुछ टूट गया है, सब कुछ बिखर गया है, पूरी आंधी चल रही है यहाँ पे। और जब ये यहाँ पर लौट कर आए हैं तो वहाँ पर आपका भरोसा नहीं, वहाँ पर आपके मन का गुस्सा, आपका दर्द, आपकी तकलीफ, आपका कहीं ना कहीं बस अपने लिए जीना, सिर्फ अपनी एक्सपेक्टेशन को पूरा करना बजाय किसी और से किसी तरह की उम्मीद करना, ये सब इस पर्सन को करंट में डीप इनसाइड फील हो रहा है, जो इन्हें कहीं ना कहीं गिल्टी फील करा रहा है क्योंकि इन सबके जिम्मेदार यही हैं। तूफान लाने वाले या आपको इस दर्द में, इस तकलीफ में छोड़ने वाले यही तो बने। तो ये पर्सन करंट में व्यूअर्स होना हो यहाँ पर बेहद ज़्यादा गिल्टी फील कर रहे हैं। और मुझे यहाँ पर ये चांसेस भी दिख रहे हैं कि ये पर्सन ना बाहरी तौर पर भी कमज़ोर ही पड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी की तरफ, भगवान से, यूनिवर्स से, डिवाइन से बहुत ज़्यादा कन्फेस कर रहे हैं, एज एन कि इनकी इस गलती की इन्हें माफ़ी दी जाए। तो उसके भी मुझे कुछ लोगों के केस में यहाँ पर चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर ये चांसेस हैं कि ये पर्सन अब थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ अपना ध्यान लगा रहे हो, भगवान में, पूजा पाठ में, सब में भरोसा कर रहे हो या कर भी रहे हो अपने इस रिग्रेट से बाहर निकलने के लिए, ठीक है। गाइड टीचर बताइए करंट डीप फीलिंग्स, करंट डीप इमोशंस व्यूअर्स के पर्सन के क्या हैं, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। करंट डीप इमोशंस व्यूअर्स के पर्सन के क्या हैं, गाइड कीजिए। सिक्स ऑफ कप्स एंड बॉटम की एनर्जी है एट ऑफ पेंटिकल्स। भाई नंबर 8 भी काफ़ी लोगों के लिए मुझे इम्पॉर्टेंट दिखा है अभी तक व्यूअर्स, ठीक है। बॉटम भी आपका आया है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आई होप आपको सभी कार्ड्स अच्छे से विजिबल होंगे यहाँ पे। देखिए व्यूअर्स, करंट में ना ये पर्सन अपने आसपास भले बहुत ज़्यादा चहल पहल, बहुत ज़्यादा हलचल देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं या देखते आए हैं, लेकिन अभी करंट में डीप इनसाइड इन्हें ना वो हलचल, वो चहल पहल भी जैसे कि अकेला कर रही हो। देखिएगा यहाँ पे भी 3 कप्स हैं, यहाँ पे भी 3 कप्स हैं, यानी कि आसपास लोग बहुत हैं। ऐसा नहीं है कि इनके आसपास कोई भी नहीं है, ये अकेले हैं, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। कोई थर्ड पार्टी अगर आप लोगों के केस में है तो उसके भी यहाँ पे होने के चांसेस बन रहे हैं, लेकिन फिर भी आप ये देखिएगा इस थर्ड पार्टी के होने के बावजूद, इन सभी लोगों के होने के बावजूद भी एक अलग ही अकेलापन इस पर्सन के अंदर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक इनोसेंस बच्चा जो कहीं ना कहीं इन्होंने ना उस चकाचौंध में भुला दिया था, उसे कहीं ना कहीं ये समझ लिया था कि इस बच्चे को पूरी नॉलेज है, पूरा आत्मज्ञान है, बहुत स्मार्ट है, लेकिन अभी डीप इनसाइड ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे कि समझ पा रहे हैं कि नहीं, ये अभी भी दिल से बच्चे हैं,
अभी भी दिल से ये आप ही से प्यार करते हैं, या दिल इनका अभी भी आपकी राह देख रहा है, अभी भी आपसे प्यार करता है, आप ही को ढूंढ रहा है, और जो भी चीज़ें हुई हैं बीते दिनों से अभी, वो अल्टीमेटली इन्होंने पूरी तरह से ख़राब कर दी हैं। यानी कि इस पर्सन के दिल में डीप इनसाइड ये चीज़ें खुद से चल रही हैं, इन्होंने सब खराब कर दिया, सब मैस्ड अप कर दिया। देखिए, जो बेहतर चल रहा था, खूबसूरत चल रहा था, जो मेहनत कर रहे थे आप ये इस रिश्ते को बनाने के लिए, इन्होंने सब अल्टीमेटली ना ख़राब कर दिया। तो वो चीज़ें इस पर्सन के मन में डीप इनसाइड चल रही हैं, और ये पर्सन ये भी सोच रहे हैं कि जैसे इंतज़ार भी कर रहे हैं तो किस पल का कर रहे हैं, सब कुछ ख़राब करने के बाद किस तरह से अब ये सही करना चाहते हैं, क्या सही करना चाहते हैं। तो वो चीज़ें भी इस पर्सन को कहीं ना कहीं खाली करती जा रही हैं। यहाँ पर भी आप देखिएगा व्हील ऑफ फॉर्चून, लेकिन ये रिवर्स्ड में आया है, यानी कि सब बर्बाद करके रख दिया, सब पलट कर रख दिया, सब कुछ इतना बेहतर, इतना खूबसूरत चल रहा था आपका साथ, लेकिन इस पर्सन की मति मारी गई थी कि इस पर्सन ने यहाँ पर अपनी ज़िंदगी को खुद से बर्बाद कर दिया। तो यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ कि जो चीज़ें ये पर्सन बाहर से दिखा रहे हैं कि हाँ मेरी ज़िंदगी में बहुत खूबसूरत चीज़ें चल रही हैं, वो समझ में इनके भीतरी एनर्जी में आ रही है कि नहीं, यहाँ पे बहुत कुछ बिगड़ चुका है। तो ये यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है। चलिए ये देखते हैं इस एनर्जी में, इस फीलिंग्स के साथ ये पर्सन आपसे क्या कहने की इच्छा रख रहे हैं, इनके मैसेजेस देखते हैं। ठीक है व्यूअर्स, अगर अभी तक आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, आप फील कर पा रहे हैं, ये रीडिंग अभी तक आपके दिल को छू रही है, तो एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। जिन लोगों ने नहीं करा है, चैनल पर नए आए हैं, तो भाई सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, ताकि आपके पास नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस भी आसानी से पहुंच सके। चलिए देखते हैं अब मैसेजेस इस एनर्जी के साथ। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन अब कहना क्या चाहते हैं इस एनर्जी के साथ। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 देखिए, ये आपसे कहना चाह रहे हैं, आई होप यू अंडरस्टैंड, यानी कि ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि आशा करते हैं आप समझ पा रहे होंगे कि इनके अंदर क्या चल रहा है। मुझे ऐसा भी दिख रहा है थोड़ा इस पर्सन के साथ ये भी इश्यूज़ रहे हैं कि ये ना खुलकर नहीं बोल पाते, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी दिक्कतें हैं रिश्ते में या आपसे, तो उसे खुलकर बोलने की बजाय ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इनके बिना बोले आप उस चीज़ को समझ लो। तो ये भी इश्यूज़ रहे हैं इन्हें। आई ड्रीम ऑफ यू समटाइम्स कहना चाह रहे हैं इस एनर्जी के साथ कि आपके ख्वाब देखते हैं कभी कभी। आई वॉन्ट टू रिकनसाइल, आपके साथ रिकनसलेशन ये चाहते हैं, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया। You are a thousand miles away but no one else is closer to my heart than you are। कहना चाह रहे हैं कि भले आप इनसे 1000 miles दूरी क्यों ना हो, आप जितना इनके करीब हो ना उतना करीब इनके कोई और नहीं है। Just give me another chance, आपसे कहना चाह रहे हैं बस एक मुझे मौका दे दो। I want you, आपको चाहते हैं। I want to come back but I can't now, आपसे कहना चाह रहे हैं ये पर्सन कि आना चाहते हैं लेकिन आ नहीं सकते। I saw you with someone else that broke my heart because I love you a lot। यार हो सकता है यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज़ रहे, किसी तरह का यहाँ पे इस पर्सन को गलत फहमी हुई आपको लेकर कि आप किसी और के साथ हैं जबकि आप उनके साथ नहीं थे, इसीलिए इस पर्सन ने वो सभी चीज़ें करी जो इन्हें करनी नहीं चाहिए थी। तो आपसे उस चीज़ के लिए कहना चाह रहे हैं। आई हैड नो चॉइस, कहना चाह रहे हैं उस वक्त पे इनके पास जैसे कुछ और रास्ता नहीं था, कोई और ऑप्शन नहीं था। आई स्टिल होप, लेकिन फिर भी इस पर्सन को अभी भी ये उम्मीद है कि चीज़ें पहले जैसे बेहतर हो जाएंगी डीप इनसाइड, क्योंकि बाहर से तो ये कुछ और ही हैं यहाँ पे, तो वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया व्यूअर्स। ये देख लेते हैं मूनोलॉजी के माध्यम से कि अल्टीमेटली आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है इस रिश्ते को लेकर, या क्या चीज़ें पता चलती हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स और दीजिए, और इस रिश्ते को लेकर बताइए प्लीज़ डिवाइन। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग,
अ पर्सनल इशू रीचेज रिजोल्यूशंस एंड बॉटम है सरेंडर टू द डिवाइन। देखिए आपसे ना यूनिवर्स ये बोल रही है, ये जो भी आप दोनों का रिश्ता है, देखो आप लोग भले यहाँ पर ना किसी गलत फैमिली के चलते या ट्रस्ट इश्यूज के चलते बाहरी तौर पर आप दोनों अलग हो गए हो, लेकिन यहाँ पर दिल अभी भी आप दोनों का एक दूसरे का इंतज़ार भी कर रहा है और एक दूसरे से अभी भी मोहब्बत भी कर रहा है। जो चीज़ें यहाँ पर ये बता रहा है कि एक्चुअली में ना आप दोनों का ये जो दिल अभी भी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, यही दिल यहाँ पर एक नई शुरुआत इस रिश्ते में डेफिनेटली लेकर आएगा। जो भी आप दोनों के बीच में अब पर्सनली लेवल पर इश्यूज चल रहे हैं ना, वो डेफिनेटली रिजॉल्व होंगे, लेकिन आपको उसके लिए अपने आप को पूरी तरह से अपने यूनिवर्स अपने ईस्ट को सरेंडर करना होगा। तो ये चीज़ें आज की इस रीडिंग में आपके लिए गाइडेंस के तौर पर कही जा रही है। यानी कि देखो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि चीज़ें ख़त्म हो गई तो बस ख़त्म हो गई, नहीं, यहाँ पे ख़त्म होने के बाद अभी शुरुआत होनी बाकी है, ये आपसे कहा जा रहा है। देख लेते हैं वैसे समय के लिए कि कब तक के चांसेस हैं इस न्यू स्टार्टिंग के। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए इस न्यू स्टार्टिंग के लिए कब तक क्या चांसेस हैं, गाइड कीजिए बताइए। वाओ, देखिएगा द सन का कार्ड आया है जो बिग 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 यस को डिनोट करता है, एंड बॉटम भी द व्हील ऑफ फॉर्चून है जो इस चीज़ को डिनोट करता है कि भाई देखिए वक्त फिर से लौट कर आएगा। जैसे कि पहले खुशियाँ थी फिर गम थे, तो अब खुशियाँ आने का वक्त ज़रूर से यहाँ पर लौट कर आएगा, एंड द सन ने इस चीज़ को अगेन यहाँ पर क्लियर कर दिया है। मुझे यहाँ पर चांसेस दिख रहे हैं व्यूअर्स, देखिए 20 वीक्स तो यहाँ पर लग सकते हैं, उसके मुझे चांसेस दिख रहे हैं अगर आप इस रिश्ते में पूरी तरह से चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहते हो तो। ठीक है, यानी कि आप ये समझ लीजिएगा अक्टूबर के अराउंड अराउंड आप में से काफ़ी लोगों का यहाँ पे रीयूनियन हो जाएगा। जो भी आप दोनों के बीच में इश्यूज चल रहे हैं वो पर्सनली लेवल पर वो रिजॉल्व हो जाएंगे। एक न्यू स्टार्टिंग, एक न्यू चैप्टर आपकी लाइफ में शुरू होने के यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस इस कमिंग अक्टूबर मंथ में है, या फिर आप ये लगा लीजिएगा मोटा मोटा 20 वीक्स। ठीक है, तो आई होप आपको इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी मिली हो, आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आपको रीडिंग के माध्यम से जानकारी मिलती है, आप कनेक्ट कर पाते हैं तो बताइएगा ज़रूर। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा ताकि मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए नई नई रीडिंग्स नए नए टॉपिक्स लेकर आऊँ और हम लोगों का साथ हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही, ओके बाय बाय।